पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो देश में 1409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, विच टेक्स आर टोटल कंफर्म केसेस टू 21,393। इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं, वह है चित्रदुर्ग कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इम्फॉल वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुड़म तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, SBS नगर पंजाब में और साउथ गोवा गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। साथ ही माननीय राष्ट्रपति जी ने कल एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को अमेंड किया गया है। इस ऑर्डिनेंस को कहा है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस के किसी भी एक्ट में इंडल्ज ना करे या एपिडेमिक के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस या नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के साथ वायलेंस कमिट करते हैं या तो उनको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है, साथ ही 50,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक का फाइन भी उनके ऊपर लेवी किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई किसी हेल्थ प्रोफेशनल को जो कि एपिडेमिक ड्यूटी में लगे हुए हैं उनके साथ कोई ग्रीवियस हर्ट अगर उनको देते हैं तो उसकी सजा बढ़कर 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है और फाइन भी 1,00,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक उस पर लगाया जा सकता है। इस एक्ट के तहत किया हुआ कोई भी ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है और नॉन बेलेबल रहेगा। जो भी पर्सन इस एक्ट के तहत कन्विक्ट किए जाएंगे उनको कंपेंसेशन भी पे करने के लिए वे लायबल होंगे और कंपेंसेशन जो हो सकता है वह जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी डैमेज प्रॉपर्टी की या जो लॉस उन्होंने कमिट किया है उसकी ट्वाइस द अमाउंट हो सकता है। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि हमारे जितने भी कोविड योद्धा हैं हमें उनका सपोर्ट लेना है। हमें ये जानना चाहिए कि वह सब हमारे आदर और सम्मान का पात्र हैं। इसके साथ ही आरोग्य सेतु के बारे में हम विभिन्न माध्यमों के जरिए आपसे बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं दिखाना चाहूँगा सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी।